जिस भी पेशेंट के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी, हम उससे इस हॉस्पिटल में इलाज का कोई पैसा नहीं लेंगे, हम सारा इलाज अपनी संस्था की ओर से फ्री करेंगे। अपने आप को अंदर से क्लीन करते जाओ, मन से भी, तन से भी, विचारों से भी, तो आप स्वस्थ सुखी जी सकते हो 100 साल तक। आयुर्वेद में एक श्लोक है, सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। आयुर्वेद कहता है दुनिया में जितने भी रोग हैं उनका मुख्य कारण शरीर में पड़े हुए कुपित मल, यानी गंदगी, यानी कि टॉक्सिन्स, यानी कि हमारे अंदर गया पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब है। और आयुर्वेद ही इसका सॉल्यूशन भी बताता है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजिति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करते जाओ, अपने आप को अंदर से क्लीन करते जाओ, मन से भी, तन से भी, विचारों से भी, तो आप स्वस्थ सुखी जी सकते हो 100 साल तक। तो यही हमारे हॉस्पिटल का मोटिव है। लगभग 60 पेशेंट अभी तक हमारे यहां से ठीक होके निकल चुके हैं। सर जब आयुष डायरेक्टर थे, नहीं सर आपने मुझे मना किया, मेरा मन कर रहा है, इनको भी मेरी कंप्लेंट गई, विश्वरूप जी की रिटर्न कंप्लेंट गई, हमारी कंप्लेंटें जाती रहती हैं। लेकिन हमारे को अच्छी सबसे बड़ी बात है, हमें ऐसे ईमानदार अफसर मिलते हैं ना, वो बोलते हैं तुम काम अच्छा कर रहे हो इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो आप सब लोग एक मिशन बनाओ कि कोई भी आपको आज के बाद, और हाँ, जिस भी पेशेंट के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी, जो बिल्कुल हम अपना इलाज का पैसा देने में असमर्थ होगा, हम उससे इस हॉस्पिटल में इलाज का कोई पैसा नहीं लेंगे, हम सारा इलाज अपनी संस्था की ओर से फ्री करेंगे। और आप लोगों का सहयोग चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा गंभीर गंभीर पेशेंट दो, ताकि हम उनको ठीक करके दुनिया को दिखाएं कि ये देखो आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, होम्योपैथी से और एलोपैथी में कैसे मिक्स करके हमने यहाँ पेशेंट को डाइट से रिवर्स किया और ठीक किया। और ये इंडिया का पहला हॉस्पिटल है, और आप लोगों के सहयोग से जैसे ही ये हॉस्पिटल हमारा 70 बेड फुल हो जाएंगे, हम पूरे भारत के हर बड़े शहर में इसी हॉस्पिटल को और ऐसे और उपक्रम को डॉक्टर साहब और हम सब मिलके इसको आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। थैंक यू, नमस्कार।